नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार जानकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के प्रोग्नोसिस और ओवरऑल सर्वाइवल रेट के बारे में, तो शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार जानकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के प्रोग्नोसिस और ओवरऑल सर्वाइवल रेट के बारे में, तो शुरू करें। तो ये बड़ा एपिसोड मेरे लिए थोड़ा सा टफ होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जो है इसमें मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो हो सकता है काफ़ी लोगों को पसंद ना आए। और बड़ा संवेदनशील टॉपिक है ये, क्योंकि ओरल कैंसर से बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की ख़राब होती है। तो अगर हम बात करें कि ओरल कैंसर का ओवरऑल सर्वाइवल रेट, देखिए कैंसर में जो है 5 ईयर सर्वाइवल रेट देखते हैं, यानी कि डायग्नोसिस या डिटेक्शन के बाद अगले 5 साल तक कितने प्रतिशत लोग सर्वाइव करते हैं। और ओरल कैंसर का एक्चुअली सर्वाइवल रेट है अराउंड 50%। तो बहुत ही टफ चीज़ है मेरे लिए एपिसोड बनाना, बिकॉज काफ़ी श्रोता होंगे जो इससे जूझ रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसको बीट करते हैं बहुत अच्छी बात है। इसका तथ्य क्या है, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। जितने लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते हैं बैटल ओरल कैंसर, उनका रीज़न ये होता है कि उनकी डायग्नोसिस बहुत लेट होती है। जितनी जल्दी आप डायग्नोसिस करेंगे, यानी कि आपको कोई भी मुंह में प्रॉब्लम हुई हो और वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप सबसे पहले जाके परामर्श कराइए डेंटिस्ट के पास। और दवाई देने के बाद और ट्रीटमेंट के बाद और इलाज के बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता, तो हो सकता है उसकी बायोप्सी कराने पड़े, जिसकी वजह से आपको पता चल जाए इनिशियल स्टेज में ही कि वो कैंसर है। तो डेफिनेटली आपके चांसेस बेटर हो जाते हैं, नॉट ओनली सर्वाइवल के, एट द सेम टाइम आपका कैंसर जो है स्प्रेड करने से उसके चांसेस कम हो जाते हैं, और हो सकता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इसमें यही आपको करना है, आपकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्लीज़ अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक रखिए। बहुत से लोग बोलते हैं, अरे हमारे फैमिली में परिवार में जो है कैंसर की जेनेटिक्स है, इसकी वजह से हमें कैंसर हो गया। देखिए, जेनेटिक्स आपकी सिर्फ और सिर्फ एक लोडेड गन है, और आपका लाइफस्टाइल उसका ट्रिगर है। आप इस चीज़ को देख लीजिए। तो अगर आप ये समझते हैं कि अगर हमारे परिवार में किसी को कैंसर नहीं है और जो है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, जो भी है, तो ऐसा गलत है। एट द सेम टाइम अगर आपके परिवार में खासम खास जो है लोगों को कैंसर की ज़्यादा प्रोपेंसिटी है, तो डेफिनेटली आपको और ध्यान से रखना पड़ेगा, अपना ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अपना लाइफस्टाइल सुधारिए, अपना मानसिक तनाव कम करिए, अपने आप को रेगुलरली डेंटिस्ट को दिखवाते रहिए। और अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या दिख रही है जिसका समाधान आपको मिल नहीं रहा है, जैसे कि कोई छाला है या कुछ है, प्लीज़ तुरंत जो है जाकर परामर्श कराइए डेंटिस्ट के पास। और अगर उसका जो है वो हील नहीं होता है, तो डेफिनेटली उसकी बायोप्सी करवा सकते हैं डेंटिस्ट के डायरेक्शन के बाद। और आपको जो है अगर पता चल जाता है, जितनी जल्दी पता चलेगा उतना अच्छा है, क्योंकि वो उतनी अगर वो स्प्रेड कर रहा होगा तो डेफिनेटली हम उसको उसी पॉइंट पे रोक सकते हैं, चाहे वो सर्जरी हो, एक्सिजनल बायोप्सी हो, जो भी हो। डॉक्टर्स को उनका काम पता है, आपका काम बस यही है कि कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो प्लीज़ उसका परामर्श जो है डेंटिस्ट से करवाइए और स्पेशलिस्ट से कराइए। और ये मत करिए कि घर पे बैठे आपने जो है हल्दी लगा ली, उससे काम नहीं बनेगा। प्लीज़, मैं आपसे बहुत अनुरोध कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। कभी भी ऐसी कोई समस्या उठती है मुंह में जो ठीक नहीं हो रही है, प्लीज़ मौखिक स्वास्थ्य वालों के पास, यानी कि डेंटिस्ट के पास जाइए। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते जाएं। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ये है मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर। ध्यान रहे कि हो सकता है मैं आपका कॉल ना उठा पाऊँ, और प्लीज़ जो है कोशिश यही करिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मुझे सही टाइम पे कॉल करिए, अगर बिल्कुल ज़रूरी हो, वरना उससे पहले प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर डाल दीजिए। हो सकता है मुझे 1-2 दिन लग जाए रिस्पॉन्ड करने के लिए मैसेज को, लेकिन मैं वापस रिस्पॉन्ड ज़रूर करता हूँ। मेरे पेशेंट्स और मेरे श्रोता ये बात जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।